84 लाख योनियों में एक प्रेत योनि है। प्रेत योनि में भी कई प्रकार हैं, ब्रह्म राक्षस और अग्नि बेताल चुड़ैल कई कई ऐसा जो महान कष्ट देने वाले हैं। अगर आप भगवद आश्रित होकर भजन नहीं करेंगे तो आप ऐसी अशुभ योनियों को प्राप्त होंगे। तो जो भूत प्रेत आदि का शरीर होता है वो वायु प्रधान होता है। ये मनुष्य शरीर में किसी भी द्वार से प्रवेश कर सकते हैं, आंख से, कान से, त्वचा से, किसी भी द्वार से प्रवेश कर जाते हैं। और ये प्रवेश करके मनुष्य को बहुत क्लेश देते हैं। जब किसी के ये शरीर में प्रवेश होते हैं तो इनका वास होता अहम की वृत्ति में, मैं इसमें तो जीवात्मा वास करता, तदात्म भाव जीवात्मा करता उस अहंकार में, मैं में। लेकिन उस अहम की वृत्ति में ये प्रेत जाकर के अपना वास बना लेता है और वहीं से वो समस्त इंद्रियादि पर शासन करता है, वो जैसा चाहता है वैसा व्यवहार उससे कराता है, इंद्रियों को अपने अनुसार चलाता है फिर वो प्रेत। कभी कभी कर्मों का भोग प्रकट होने पर एक शरीर में कई प्रेत आकर के वास कर देते हैं और उसको महान कष्ट देते हैं। पर यह है कि भूत प्रेत सबको नहीं सताते, ये स्वतंत्र नहीं कि जिसको बनाया उसके ऊपर चढ़ गए उसे क्लेश देने लगे। ये मल द्वार से, मूत्र द्वार से, नेत्र द्वार से, घ्राणेन्द्रीय के द्वार से, श्रवणेन्द्रीय के द्वार से, त्वगेन्द्रीय से ये प्रवेश कर जाते हैं, आम वृत्ति में जाकर के इंद्रियों पर शासन करते, नाना प्रकार के क्लेश उस शरीर को देते हैं। लेकिन ये हर एक शरीर में प्रवेश नहीं हो सकते, इनके ऊपर शासन ये मनमानी नहीं कर सकते। भगवान भूतेश्वर के शासन में संपूर्ण सृष्टि के भूत रहते हैं। और जब किसी जीव का वैसा कर्म बिगड़ जाता है तो उसको दंड देने के लिए वो छूट दे देते हैं, तो वो प्रेत उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसको वैसी ही बुद्धि दे दी जाती है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, वो जाएगा पीपल के नीचे पेशाब कर देगा, श्मशान में ऐसे समय में जाएगा संध्या काल, मध्यान्ह काल, मध्य रात्रि, या संयोग वशात कर्म के अधीन होकर के वो प्रेत उसके सामने आएगा, वो उसे बोल देगा, कोई ऐसी घटना घटेगी, वो अपवित्र होगा, वो उसके शरीर में चढ़कर उसे क्लेश प्रदान करेगा। पर एक पक्का समझ लीजिए, कोई भी प्रेत स्वतंत्र नहीं है कि जब वो जिसको चाहे सता दे, ऐसा नहीं है। आपका जब कर्म बिगड़ेगा, आप अपवित्र होंगे और ऊपर से भूतेश्वर का इशारा होगा, तब वो भूत आकर के आपको दंड देगा। ऐसे स्वतंत्र योनि नहीं, नहीं तो फिर क्या है, जब जिसको चाहे वो परेशान करे, किसी के शरीर में जाकर के खूब खाए पिए और तो बड़े आनंद का विषय, फिर उसको दंड का। भूत योनि में जो जीव जाता है जलता रहता है, यद्यपि इतने समुद्र नदी आदि है वो जल नहीं पी सकता, कितने वृक्षों में फल है फल नहीं खा सकता, कितना भोजन दुकानों में है वो एक चख नहीं सकता, खा नहीं सकता, वो भूखा प्यासा चिल्लाता रहता है। जब कोई ऐसा पापात्मा मलिन अपवित्र शरीरधारी और ईश्वर का इशारा होता है, उसके कर्म बिगड़े हुए जो सामने शरीरधारी आया तो इशारे पर फिर उसके शरीर में पहुंचता है, फिर उसको जो जल आदि मिलता है उससे तृप्त होता है। मनुष्य का कोई बुरा कर्म का जो भोग आता है तभी इनका संयोग होता है, भूत प्रेत उसमें तभी प्रविष्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मनमानी किसी को भी वो सतावे, किसी को भी वो दंड दे। कर्मों का भोग जब तक बना रहता है तब तक उनके शरीर में रहते हैं, जहां कर्म भोग समाप्त हुआ कोई ना कोई निमित्त बनेगा, उसको भागना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी शरीर में वो बहुत काल तक बराबर रह सके, यदि रह रहा है तो कोई ना कोई कर्म भोग उसका है जो उसको निपटा रहा है। भूत प्रेत कभी कभी संत महात्माओं के सामने भी देखे गए हैं। ये भूत प्रेतों का कर्म समाप्त होने का समय आता है, उनकी योनि समाप्त होने का समय आता है, तब वो संतों के समीप जाते हैं। जो भजनानंदी भगवत प्राप्त महात्मा या भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा वाले संत जन है, इनके दर्शन से, इनके संभाषण से
उनके सानिध्य में आने से उसके सारे कर्म जो प्रेत योनि बनाने के हेतु हुए थे वो सब नष्ट हो जाते हैं और वो मुक्त हो जाता है प्रेत योनि से, इसीलिए संतों के सामने जाते हैं। ऐसी अशुभ योनियां तुम्हें कभी सताए ना, इसके लिए बहुत सुंदर उपाय है। शास्त्र वेदता महापुरुष कहते हैं कि पहली बात तो जैसे वृक्षों में है कोई कील गड़ी हो, तो यदि आप भगवत शरणागत हैं, गले में कंठी है, तिलक लगाए हुए, नाम जप कर रहे हैं, तो अगर उस वृक्ष से कील उखाड़ेंगे तो आपके ऊपर कोई आक्रमण प्रेत योनि नहीं करेगी। हो सकता है वो कील किसी ने प्रेत को वहां अभिमंत्रित करके कील दिया हो और आपने इसे खिलवाड़ में कील निकाल दिया, संयोग आपका कर्म संयोग बना तो वो फिर आपके ऊपर, या कोई बोतल जैसे है वो जमीन में गड़ी हुई है उसमें प्रेत आत्मा को कील दिया गया किसी तांत्रिक ने, वो आपके द्वारा निकाली गई या फोड़ी गई तो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। ऐसा होने पर भी यदि आप गले में कंठी धारण किए हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो ये भयानक प्रेत योनि आपका स्पर्श नहीं कर सकती, प्रकट भले हो जाए उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो आपका स्पर्श कर सके। प्रेतियों ने भी तभी आक्रमण करती जब आप अपवित्र होंगे, मुंह जूठा होगा, आप अपवित्र होंगे, आप भगवत विस्मरण किए होंगे, गले में कंठी नहीं होगी, आप भगवत आश्रित नहीं, तभी ऐसा होता है। एक प्रातःकालीन बेला पर घूमने गए थे तो एक भयानक प्रेत प्रकट हुआ तो घबरा गए, गिर गए, प्रेत ने उनका स्पर्श नहीं किया, थोड़ी देर खड़ा रहा, वो उनसे कुछ बोले नहीं और चल पड़े, प्रेत ने रोका भी नहीं, क्योंकि उनके गले में वो आकर के फिर संतों से मिले, बातचीत की कैसा, तो वो कोई भय प्रदान नहीं किया, अपने आप भय करके गिर गए, उसने स्पर्श भी नहीं किया, उसकी हिम्मत भी नहीं थी बोल दे। उन संतों ने बताया कि गले में तुम कंठी पहने थे, कुछ नियम भजन का करते थे, इसलिए किसी की ताकत नहीं कि तुम्हें छू सके, भगवान नाम में भजन में बड़ी सामर्थ्य है। यदि किसी को ऐसा लग रहा हो कि उसे प्रेत बाधा सता रही है, प्रेत बाधा क्लेश दे रही है किसी को भी, तो एक बहुत सहज उपाय है, हमारे शास्त्रवेत्ता महापुरुषों ने वर्णन किया है। यदि हम भगवत चरणारविंद का आश्रय ले लें और ये वचन बिल्कुल पक्के विश्वास पूर्वक मान लें, बोले यश्च भागवतम शास्त्रम वाचैदर्थतो निशम जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशयः। यदि श्रीमद् भागवत महापुराण का उसको श्रवण कराया जाए, अगर आप संस्कृत का ज्ञान रखते हैं तो अच्छा, नहीं तो किसी विद्वान के द्वारा, पक्का समझ लो वो निश्चित प्रेत का भी उद्धार हो जाएगा और जिसके शरीर पे प्रेत आया होगा वो प्रेत बाधा से मुक्त हो जाएगा, करोड़ों जन्मों के पापों का नाश, ये वाङ्मय स्वरूप श्री कृष्ण का है। यश्च भागवतम शास्त्रम वाचेदर्थतो निशम जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशया। अर्थ सहित श्रीमद् भागवत का श्रवण या कथन करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और निश्चित निश्चित उस प्रेत का भी उद्धार हो जाएगा और जिसके ऊपर प्रेत आया है वो भी प्रेत बाधा से मुक्त हो जाएगा। देखो दंडकारी महान भयानक प्रेत, जब गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई तो 7 दिनों में सूखे बांस की गांठ में वो बैठा हुआ था, वो गांठे फट गई और वो भगवत पार्षद होकर, कोई साधना नहीं हुई उससे, केवल श्रीमद् भागवत का श्रवण किया तो वो भगवत स्वरूप होकर दिव्य विमान पर बैठकर भगवत धाम को गया। महाभयानक प्रेत, बुरा आचरण करने वाला धुंधकारी। तो श्लोकार्धम श्लोक पादम वा पठेत भागवतम चय नित्यम पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयो। जो पुरुष एक श्लोक याद कर ले भागवत का, मानो संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो एक श्लोक, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, आधा श्लोक
इतना ही बोल दे, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। सामने आपके चाहे जितना भयानक प्रेत हो टिकेगा नहीं। श्री कृष्ण का वाग्मय स्वरूप महामंत्र स्वरूप श्रीमद् भागवत है। एक श्लोक आधा श्लोक यदि आप उच्चारण करते हैं तो राजसुई अश्वमेधादि यज्ञों का फल स्वाभाविक आपको प्राप्त हो जाता है। कोई भय आपके सामने टिक नहीं सकता, कोई बंधन आपको बांध नहीं सकता। आप उच्चारण करके तो देखिए, आप रट करके तो देखिए। बोले उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरि चिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनु नाम सेवनम समम। ये महामहिमा में उपाय है जो श्रीमद् भागवत के श्लोक का, श्री ठाकुर जी की सेवा उनका चिंतन, श्री प्रिया प्रीतम की सेवा, राधा नाम की सेवा, ठाकुर सेवा, सालीग्राम सेवा, इनका चिंतन या तुलसी जी का सिंचन, तुलसी जी की आरती, तुलसी जी की सेवा, गौ माता की सेवा, ये जो करता है तो कभी उसे कोई बाधा परास्त नहीं कर सकती। प्रेतादि तो स्पर्श ही नहीं कर सकते। जो ठाकुर सेवा करते हैं, गले में तुलसी धारण करते हैं, श्रीमद् भागवत का श्लोक याद किए हुए हैं, और जो हरि चिंतन करते हैं, गौ को ग्रास देते हैं, चारा देते हैं, सेवा कर, ऐसे पुरुषों को प्रेत छू नहीं सकते। हां, अपना उद्धार कराने के लिए सामने प्रकट हो सकते हैं। बोले अंत काले तुये नैव श्रूयते सुख शास्त्र वाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम गोविंदोपि प्रयच्छति। यदि किसी का शरीर पूरा हो रहा हो और आप उसको भागवत के श्लोक सुना दे, वो सीधे प्रभु के धाम को जाएगा। बड़ी महिमा है। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, हनुमान चालीसा, श्रीमद् भागवत के श्लोक, भगवान नाम कीर्तन, ये महामहिमा में साधन है। कोई भी भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस ये आपका स्पर्श नहीं कर सकते। यदि तुलसी धारण किए हो, गोपाल शास्त्र नाम याद है आपको, विष्णु शास्त्र नाम याद है आपको, श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोक याद है आपको, तुलसी सेवा करते हैं, सालीग्राम सेवा करते हैं, ठाकुर सेवा करते हैं, हरि चरणामृत पीते हैं, गंगा जल पीते हैं, यमुना जल आचमन करते हैं, पवित्र रहते हैं, किसी की भी ताकत नहीं है। भगवान नाम कीर्तन करने वाले को कोई सामर्थ्यशाली त्रिभुवन में नहीं जो परास्त कर सके। इसलिए जीवन का परम लाभ श्री हरि चरणों का आश्रय लेकर शरीर को पवित्र रखो, खूब भगवान नाम चिंतन करो, शास्त्र विहित कर्म करो, सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करो, तो ये जो दुर्गति है इससे बच जाओगे। ये जो महान क्लेश देने वाले घातक अशुभ विनायक है इनसे आप बच जाओगे। भगवान नाम महामहिमा में गरज रहा है, खूब नाम कीर्तन करो, प्रभु के आश्रित रहो, यही जीवन का परम आनंद है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।